नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं भिवानी के बाल सेवा आश्रम के ठीक सामने। ये भिवानी का बाल सेवा आश्रम महाशय धर्मपाल द्वार आप जो देख पा रहे होंगे, ये बाल सेवा आश्रम भिवानी करीब 200 वर्ष पहले इसकी नींव रखी गई थी। हम इसके महत्व को लेकर के आपको एक विशेष जानकारी देंगे। ये भिवानी का बाल सेवा आश्रम जिस समय इसकी नींव रखी गई थी उस दौरान भिवानी और आसपास के क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा हुआ था। ये हम कह सकते हैं वर्ष 1899 की बात है और विक्रमी संवत 1956, जिसको छपना का अकाल बोलते थे। छपना का अकाल जो बुजुर्ग लोग थे तो वो आज भी भूले नहीं हैं, जो जीवित थे या उन जो जानकार थे। छपना के अकाल के नाम से हम ये कह सकते हैं, जो छपना का अकाल था उस दौरान इंसान तो छोड़िए, पशु पक्षी के लिए खाने के लिए भी कुछ भोजन कोई भी सामग्री नहीं थी। ये ऐसा छपना का अकाल था। उस छपना के अकाल में जो भिवानी और आसपास के जो बच्चे थे भुखमरी के कगार पर आ गए। भुखमरी के कगार पर आने के वजह से और बेघर हो गए, रोड पर आ गए। तो उस दौरान ईसाई मशीनरी काफ़ी एक्टिव थी, इस क्षेत्र में भारी दबदबा था। ईसाई मशीनरी ने हिंदुओं के बच्चों को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर लिया। इसी षड्यंत्र की भनक लाला लाजपत राय जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तीन गरम दल के नेता जिनको माना जाता है, लाल बाल पाल, जिनमें से एक लाला लाजपत राय जी को भनक लगी कि ईसाई मशीनरी हिंदू बच्चों को इकट्ठा कर रही है। इसी भनक को देखते हुए लाला जी ने जो सेशन जज में इसकी अपील की, दरख्वास्त की कि हिंदू बच्चों को जो ईसाई मशीनरी एकत्रित कर रही है, इकट्ठा कर रही है, उनका दुरुपयोग करने का एक षड्यंत्र है, उसको लेकर के फिरोजपुर सेशन जज में उन्होंने उस दौरान एक दरख्वास्त की। फिरोजपुर सेशन जज की तरफ से, अदालत की तरफ से लाला लाजपत राय जी को हिंदू जो भी बच्चे थे उनका गार्डियनशिप घोषित कर दिया। गार्डियनशिप घोषित करने के बाद में वर्ष 200 साल पहले की बात है, उस दौरान लाला लाजपत राय जी ने यहाँ जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं फिलहाल, एक किराए का भवन लेकर के, मकान लेकर के उन बच्चों को, करीब 89 बच्चे उस दौरान थे, हिंदू बच्चे थे, 89 बच्चों को एक किराए के मकान में रखा। उनकी लालन पालन के साथ साथ शिक्षा का प्रबंध करवाया। उनके जो साथी थे उनके साथियों के सहयोग से आज जो उस दौरान एक छोटी सी पौध लगाई गई थी 200 साल पहले, आज वही पौध वट वृक्ष बन चुकी है। ये आप देखेंगे, ये मुख्य द्वार से लेकर के ये अंदर तक का जितना भव्य आप देख पाएंगे, बाल सेवा आश्रम भिवानी है और ये आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। हम ये कह सकते हैं ये लाला जी की एक सोच थी, एक सपना था, हिंदू बच्चों को ईसाई मशीनरी से छुड़वा करके बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा के लिए जो एक प्रबंध करा साथियों के साथ मिल करके, आज उसी प्रबंध का नतीजा है। आप जहाँ भी नज़र आपकी जाएगी, आपको हम थोड़ा सा अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे, ये बिल्कुल एक भव्य बाल सेवा आश्रम फिलहाल दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई देगा बिल्कुल साफ सुथरा, हरा भरा, हरियाली, यज्ञशाला से लेकर के पाठशाला और ये सारा का सारा जो आप देखेंगे, एक विशेष बाल सेवा आश्रम है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाल सेवा आश्रम है, ये भी हम आपको बता दें, उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाल सेवा आश्रम है, जहाँ पर आप ये देखेंगे साफ सफाई बिल्कुल, और एक अच्छे तरीके से जो एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को यहाँ ऐसा महसूस ना हो कि वो परिवार में है, गुरुकुल में है या किसी ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर उनके सारे गार्डियन नज़र आएंगे। ये यज्ञशाला है और उधर आपको हम लाला लाजपत राय जी की जो प्रतिमा है वो दिखाएंगे। लाला लाजपत राय जी की प्रतिमा के ठीक सामने यज्ञशाला है। यज्ञशाला के साथ ही हम आपको और भी दृश्य दिखाएंगे। ये बात है विक्रमी संवत 1956 की।
विक्रमी संवत 1956 यानी 1899 की बात है, उस दौरान भयंकर अकाल पड़ा था। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं भयंकर अकाल पड़ा था, जिसको छपना का अकाल को कहते थे। छपना का अकाल, छपना के अकाल में उस समय इंसान की बात छोड़िए, पशु पक्षी को भी खाने के लाले पड़ गए थे। उसी दौरान ईसाई मशीनरी भिवानी में सक्रिय हो गई और ईसाई मशीनरी ने भिवानी के जो आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें भुखमरी के कगार पर आए बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी षड्यंत्र की भनक लगते ही लाला लाजपत राय भिवानी पहुँचे और उन्होंने उस दौरान सेशन जज फिरोजपुर, सेशन जज का जो दायरा होता था वो फिरोजपुर में होता था, फिरोजपुर की अदालत में गार्डियनशिप की दरखास्त लगाई उन्होंने। और उस समय अदालत ने फैसला दिया था कि हिंदू बच्चों को लाला जी को सौंप दिया जाए। ये बात वर्ष 200 साल पहले की बात है, हिंदू बच्चों को लाला जी को सौंप दिया जाए। इसके विरोध में ईसाई प्रचारकों ने लाहौर हाई कोर्ट, उस दौरान लाहौर हाई कोर्ट होता था, लाहौर हाई कोर्ट में अपील करी, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद हिंदू बच्चों को वैधानिक रूप से वारिस के रूप में लाला जी को, जो बच्चे थे उनको सौंप दिया गया। लाला जी को उस दौरान करीब 89 बच्चे थे, लाला जी को हैंड ओवर कर दिया और उनको सौंप दिया गया। ये एक बड़ी बात है, ये कोई भी साधारण इसको हम नहीं कह सकते। फिलहाल हम यज्ञशाला में हैं, ये यज्ञशाला का दरसे है बाल सेवा आश्रम का। और ये जो बाल सेवा आश्रम है, बाल सेवा आश्रम करीब 16 एकड़ ज़मीन में है, 8 एकड़ में ये आवास है, आवास बना हुआ है। 8 एकड़ की हम जो जिक्र कर रहे हैं, इसमें शिक्षा, आवास, भोजन, यज्ञशाला, गौशाला और प्राथमिक विद्यालय यहीं पर है। जो आप दृश्य देख रहे हैं भव्य, जिसको हम ये कह सकते हैं, कोई भी आकर के जो भी दृश्य देखेगा कोई ये नहीं कह सकता ये बाल सेवा आश्रम का दृश्य है। ये बाल सेवा आश्रम एक भव्य, साफ़ सुथरा, सुंदर दिखाई दे रहा है, बाल गृह है। ये बाल गृह का मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, ये धापा देवी टिबड़ेवाल सभागार भी यहीं पर है। हम ये कह सकते हैं ये बाल जो सेवा आश्रम है, इस बाल सेवा आश्रम की भव्यता, जो उस दौरान 200 वर्ष पहले लाला लाजपत राय जी ने एक पौध के रूप में इसकी शुरुआत की थी, नींव रखी थी, आज ये वटवृक्ष बन चुका है। ये चारों तरफ आप देखें, आपके जो नज़र आपकी जहाँ भी जा रही है, हम कुछ बच्चों से भी बातचीत कराने का प्रयास कराएंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये जो बाल सेवा आश्रम है, फिलहाल करीब 30 के आसपास बच्चे इसमें मौजूद हैं। बाकी तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे कितने बच्चे हैं। हम ये भी कह सकते हैं, ये जो लाला लाजपत राय जयंती कल थी, लाला लाजपत राय जयंती पूरे देश में मनाई गई, खासतौर पर भिवानी में भी मनाई गई। ये जो बाल सेवा आश्रम है, भिवानी का बाल सेवा आश्रम, जो चारों तरफ आपकी जहाँ भी नज़र जाएगी, ये हरा भरा, हरियाली के साथ साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। यानी ये कह सकते हैं जो लाला जी की 200 वर्ष पहले की जो सोच थी, आज एक वटवृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। बच्चे एक व्यवस्थित अनुशासन तरीके से बच्चे आपको दिखाई देंगे, हम उनसे बातचीत भी कराएंगे, लेकिन और अंदर के भी हम आपको दरअसल पहले हम बच्चों की तरफ चलते हैं। ये जो बच्चे हैं ये बाल सेवा आश्रम में हैं और इन बच्चों से एक बार आपको मुखातिब कराएंगे। क्या नाम है छोटू आपका? राजू। मेरा नाम राजू। हाँ जी। पढ़ते हो आप? यस सर, 12वीं में। 12वीं कक्षा में पढ़ते हो? आगे क्या सोचा आपने, क्या बनना चाहते हो? आर्मी की सोच। आओ इस तरफ। आप आर्मी सेना में जाना चाहते हो? देश सेवा की? यस सर, देश सेवा की। देश सेवा करना चाहते हो? तो 12वीं के बाद में ये फौज की तैयारी है, अभी प्रैक्टिस करते हो आप? थोड़ी थोड़ी करता हूँ। एक्सरसाइज वगैरह करते हो? थोड़ी थोड़ी करते हो। तो क्या फौज को ही कैसे चुने आपने, फौज कैसे अच्छी लग रही है आपको? ये मेरे पिताजी भी फौज में थे। आपके पिताजी भी फौज में थे? आप कहाँ से हो? मैं दादरी जिला। दादरी से? तो यहाँ कब आए थे? यहाँ मेरे को लगभग 15 से 16 साल हो गए। 15-16 साल पहले।
तो आपके माता पिता नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो आपके पिता फौज में थे, माता पिता नहीं होने के बाद में यहीं आए हो आप? हाँ, हाँ, यहाँ आपने कितने पहली कक्षा से शुरुआत की थी? हाँ, पहली कक्षा से। आप बारहवीं तक की है? आठवीं दसवीं में कितने नंबर आए? ठीक है नंबर, ठीक अच्छे नंबर है। कैसा लगता है यहाँ पे रह के? कुल मिला के आपको, आपने करीब 14-15 साल हो गए, 14-15 साल में आप बिल्कुल मन से, साफ मन से बताएं कैसा माहौल आपको लग रहा है? ये घर परिवार की तरह रह रहे हो, खाना पीना कैसा है? सब अच्छा है। अनुशासन कैसा है? मैनेज प्रबंधन कैसा है? सर सही है अभी तक तो, जैसा मेरा अनुभव है अभी तक का। और बच्चे भी ठीक है, हमारे मिलके रहते हैं, हम खेलते हैं साथ, खाते हैं, पढ़ते हैं, जो सिखा देते हैं, जो मेरे को पता है, मेरा अनुभव है, उनको बता देता हूँ मैं। दिनचर्या क्या क्या होती है यहाँ की, शुरुआत कैसे, सुबह कितने बजे उठते हो आप? सुबह सर्दियों में तो 6 बजे 6:30 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपना नित्य के सोच जो भी है जी, फिर उसके बाद चाय आती है, चाय पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद नाश्ता हो जाता है, नाश्ते के बाद अपना नहा धो लो। नाश्ते में क्या क्या लेते हो आप? दही परांठा होता है, दूध ब्रेड भी, जैसे मेन्यू के हिसाब से होता है, अलग अलग दिन का अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद में ये पढ़ाई किस? हाँ, जो पढ़ाई के जैसे कुछ बच्चे अब नॉर्मल भी हैं, नॉर्मल भी वो भी और नॉर्मल भी हैं, जिसको पढ़ना हो तो पढ़ लेता है और जिसको खेलना हो खेल भी लेता है। और टीचर भी आते, जैसे बाहर से आश्रम के बच्चे होते हैं, बाहर का बच्चा कोई नहीं आता, बाहर का कोई नहीं आता अभी लॉकडाउन में। तो जैसे आप यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बाहर कभी घूमने जाते हो? जाते हैं, तो प्रबंधन वाले लेके जाते हैं, मैनेजमेंट टीम लेके जाती है। कहाँ कहाँ भिवानी की क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? भिवानी में तो शहर में कोई, हाँ, जहाँ भी आप घूम के आए, कोई खाने में, कोई और कोई घूमने में, कोई भी एक यादगार बताओ आप। भिवानी में जैसे एक थोड़े दिनों पहले अपने मेला भी लगा था, मेला लगा था, भी गए थे सारे किरोड़ीमल पार्क में, हाँ, मेला देख करके आए थे, अच्छा लगा आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गीता महोत्सव, जयंती महोत्सव, गीता जयंती महोत्सव भी मनाया गया, तो उसमें भी गए थे आप? जी जी। कोई आपने भाग लिया था किसी उसमें? नहीं, नहीं मैं लेता नहीं पार्ट। कुछ बनाना आता है? कुछ ऐसे कुछ बच्चे हैं? कोई विशेषता जैसे आपकी अभी इच्छा तो फौज में जाने की, सेना की, उसके अलावा कोई आप में कोई मोमेंट करके दिखा सकते हो आप, किसी भी प्रकार का कोई कलाकारी या कोई बोल चाल या कोई गीत गाना? नहीं, इस मेरा कोई भी उस तरह का फिलहाल सेना के लिए। बच्चे ऐसे हो कोई? बाकी मुझे पता, बाकी हम बच्चों से प्रयास करेंगे और भगवान से भी हम दुआ करेंगे आप एक दिन सेना में जाएं और देश सेवा करें आप। अभी और भी जो बच्चे हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ कविता कोई गीत सुना सकता है? कोई भी बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा कोई डांस करके दिखा सकता हो? कोई भी बच्चा एक खुशी के साथ कोई आए, कोई भी बताए, बेटा बताओ कोई, शाबाश कोई तो बताओ, कोई कविता कहानी कोई गीत कोई डांस चुटकला कोई भी कुछ भी। हाँ, पोएम सुनाओ बेटा, शाबाश। आप थोड़ा सा खड़े हो जाओ आराम से यार, लो हाथ पकड़ लो माँ, आराम से, शाबाश शाबाश। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाओ बेटा, शाबाश। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए दिल्ली, वहाँ से लाए दो बिल्ली, एक बिल्ली कहानी सब बच्चों की मम्मी, मम्मी गई क्या बोलते हैं, एक कौवा पैसा था, एक कौवे ने मटका देखा, उसमें थोड़ा पानी था, उसने कंगन गहरे पानी आया, पर पानी पी के गया, खत्म हुई कहानी। शाबाश शाबाश। आपका नाम बेटा, नाम बताओ? गौरव है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं प्रिया स्कूल में जाता हूँ। प्रयास? हाँ। अच्छा, और मैं तीसरी में हूँ। क्या बनना क्या चाहते हो जीवन में, क्या आपने क्या सोचा अभी तक? मैंने, हाँ, पुलिस सोचा है। अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आप बैठो, आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल सोच अच्छी होनी चाहिए कम से कम बच्चे की। एक बेटा आप खड़े हो, शाबाश शाबाश। अरे शाबाश शाबाश, आप सराव मतलब आप तो अच्छे लगते हो, देखो कटिंग भी आपने फौजी जैसी करवा रखी है, आप तो पहले से ही फौजी हो। आप अपना नाम बताओ पहले। नवनीत। नवनीत, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? थर्ड में। थर्ड क्लास में। क्या बनना चाहते हो? एक ने तो पुलिस में बताया, एक ने फौज में, आप क्या बनना चाहते हो? मैं भी पुलिस ही। क्या बनना चाहते हो? पुलिस में भी।
पुलिस में? अरे वेरी गुड, क्या पुलिस पुलिस में बन के चोरों को पकड़ोगे? हाँ। पिटाई करोगे? अरे आप देखते हो टीवी वगैरह देखते हो, उसमें पिटाई करते हैं? हाँ। पुलिस पुलिस वाले सीआईडी वाले करते हैं। फिल्म वगैरह भी देखते हो? हाँ। अच्छा, क्या आपको सबसे अच्छा क्या लगता है टीवी में, सीरियल नाटक कोई फिल्म, क्या अच्छा लगता है आपको? नाटक। बस नाटक, शाबाश। आपने को तो पुलिस ऑफिसर बनना है, हमारी हमारे को कम से कम पहचान तो लोगे भाई, पुलिस अफसर बनने के बाद में कभी भूल जाओ। नवनीत शाबाश, ताकतवर है, हंसमुख भी है, बैठ जाओ आप आराम से बैठो, शाबाश। और कोई बेटा बताएगा कुछ जानकारी? वहाँ पर अपने पदाधिकारियों से हम जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ का कोई अंदर का कोई अच्छा दृश्य और कुछ हो। हाँ, ये जो द्वार है ये क्या नाम है इनका? धापा देवी। धापा देवी, इसमें क्या क्या है, कोई जानकारी है? इसमें कितने कमरे हैं, क्या है? इसके अंदर सारा लड़कियों के लिए अच्छी व्यवस्थित कमरे हैं और सारी सुविधाएं। यानी जो ये टीबड़े वाल सभागार है, हाँ जी, इसमें क्या क्या सुविधाएं कुल मिला? हॉल है, हॉल है, बच्चों के कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम। हॉल में कितने बच्चे बैठ सकते हैं लगभग? हॉल में लगभग ये लगा लो आप कम से कम 100 बच्चों के। 100 बच्चों के? हाँ जी। ये यहाँ पर कोई बड़ा प्रोग्राम करते होंगे? हाँ, कोई जैसे प्रोग्राम होता है तो हम हॉल के अंदर अरेंज करते हैं। हॉल के अंदर? हाँ। कल भी कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ? हाँ, था यहाँ पर हुआ था, हॉल के अंदर भी प्रोग्राम सारा अरेंज। लाला लाजपत राय जयंती के रूप में? लाला लाजपत राय जयंती। क्या कोई विशेष प्रोग्राम में क्या क्या बच्चों ने भाग लिया या क्या था आयोजन? बच्चों ने भाग लिया था, उसमें बच्चों ने डांस पेश किया था जी अपने देशभक्ति गीत के ऊपर, और उन्होंने कविता पाठ किया था लाला लाजपत राय जी के ऊपर। अच्छा अच्छा। और इसी तरह के मतलब कई प्रोग्राम थे, छोटे बच्चों का भी डांस का प्रोग्राम था। बच्चों का काफी हौसला? हाँ, बढ़ा है। हाँ, अच्छी बच्चे काफी खुश थे, काफी खुश थे और काफी लगन लेके उन्होंने अपना। अब कुल मिला के कोरोना से भी कुछ परेशानी बनी है या ऐसी कोई? कोरोना का हम ऐसे पूरा एहतियात रखते हैं, कोरोना का डिस्टेंस से बच्चे रहते हैं। नहीं कोई पढ़ाई लिखाई में बाधा आई हो? हाँ, पढ़ाई में तो बाहर जाना आना बच्चों का कम हो गया, जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो फर्क तो पड़ रहा है कोरोना से। तो कितने बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए? लगभग जो अपने 5th क्लास तक के हैं वो तो स्कूल अपने अंदर है, प्राइमरी तक तो यहीं। हाँ, पर है प्राइमरी तक अंदर है स्कूल, बाकी बच्चे हैं 10-12 बच्चे वो बाहर जाते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल वगैरह में जाते हैं? हाँ, जिस जो बच्चा जहाँ मतलब जिस स्कूल में उसकी इच्छा है उस स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, उस स्कूल में पढ़ाते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल वाले फीस वगैरह लेते हैं या कोई निःशुल्क है ये? नहीं, कुछ जैसे जो व्हीकल लगे हुए हैं व्हीकल चार्ज हम देते हैं। अच्छा। कई जगह बच्चों का निःशुल्क है और बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ड्रेस वगैरह वो सब हम यहाँ से पूरी उपलब्ध कराते हैं। यानी स्कूल की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती या ली जाती है? नहीं नहीं, फीस नहीं लेते हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो तो देखो हर स्कूल वाला लेता है, वो हम यहाँ से पूरे करते हैं बच्चों। अच्छा अच्छा। कॉपी कपड़ा जो भी है, ड्रेस वगैरह इनका, कोई एनुअल चार्ज वगैरह जो कुछ मतलब जो भी लगता है बच्चों का एक्स्ट्रा चार्ज वो हम देते हैं। यहाँ के कोई बाल सेवा आश्रम से बच्चे निकल करके कोई ऑफिसर बने हैं बड़े लेवल पर, या जो एक आप लोगों को ये पता हो वो फलाने अधिकारी हैं वो हैं, कोई बताएं सर आपको है पता? और ये काफ़ी पुरानी है, आप बताओ सर कोई थोड़ा सा, आपको पुराने हो तो जानकारी ज़्यादा पाएगी। हाँ जी, यहाँ के जो बाल सेवा आश्रम ये करीब 200 साल पहले नींव रखी गई। हाँ जी। और 200 साल भी एक उस समय लाला लाजपत राय जयंती ना कल थी। हाँ जी। लाला जी की एक सोच थी, एक छोटी पौध लगाई गई थी 200 साल पहले। हाँ जी। आज तो पूरा वटवृक्ष दिखाई दे रहा है ये। हाँ जी। काफी साफ सुथरा है, हरा भरा है, अनुशासन है। हाँ जी। तो यहाँ आप पुराने जुड़े हुए हैं यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। तो करीब यहाँ के जो बच्चे हैं कोई निकल करके किसी बड़े पदों पर गए? ज्ञान चंद शास्त्री है वो मास्टर है। ज्ञान चंद शास्त्री जी अध्यापक है? हाँ जी। ठीक है। एक दादरी में कोर्ट में 2-3 और लग रहे हैं जो कि क्लर्क बन के चले गए। दादरी कोर्ट में क्लर्क वगैरह लगे? हाँ जी। अभी रिटायर्ड हो गए? हाँ, ज्ञान चंद शास्त्री रिटायर हो गया और भी रिटायर हो गए। अच्छा अच्छा। और कोई आपके ध्यान में ऐसा कोई खिलाड़ी निकल के गया? हाँ, खिलाड़ी निकल के गया एक जना, क्या नाम था? सुजीत। हाँ जी, खेलता है। कौन से उसमें खेलता है वो? वो कौन से में है? क्रिकेट में। और एक मतलब लड़का आश्रम का वो मनोरी का रिश्तेदार था, वो भी सरकारी नौकरी पे खेलने के लिए बाहर गया था, नौकरी लग रहा है वो।
एक दो बच्चे वो अपना खुद का काम जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह का किया हुआ उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने बिजली वगैरह की दुकान वगैरह है उनकी। दुकान भी है, वैसे भी काम लेते हैं अपने। राजा राम है लड़का, अभी फिलहाल ही निकला था यहाँ से। इलेक्ट्रीशियन अच्छा इलेक्ट्रीशियन, बढ़िया इलेक्ट्रीशियन है उसका। अच्छा काम, अच्छा काम चला वो इलेक्ट्रिक। तो आप लगभग ये बताओ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी प्रकार की? कोई दान दाताओं की तरफ से कमी हो या और कोई शासन प्रशासन की कोई समस्या आ रही हो? कुल मिला के अच्छा है, अच्छा है, सबका सहयोग बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सहयोग है। आम आदमियों का, आम लोगों का भी अच्छा सहयोग है, समय समय पर सहायता करते हैं। भिवानी तो जी अपनी छोटी काशी है, यहाँ तो वैसे ही कोई समस्या नहीं आती। देखो जरूरी है, हमारा फर्ज बनता है कोई से बढ़ के एक दानीदाता है बच्चों की। कोई किसी प्रकार की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती बच्चों को, कमी महसूस नहीं, खाने पीने की, कपड़े की, या कोई भी कमी महसूस नहीं होती। घर जैसा माहौल है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक दो और बच्चे से हम बातचीत करेंगे। बेटा कौन आएगा, कौन बताएगा? शाबाश शाबाश, अपने बारे में बताओ, जल्दी बताओ। आप आपका नाम बताओ पहले, नाम तो बता ही सकते हो, नाम बताओ बेटा आपका। माय नेम गोलू कुमार। गोलू कुमार, पढ़ते हो आप? हाँ जी, फाइव क्लास में। अरे वेरी गुड, ऐसे ऐसे बताओ सभी की तरह। आपका बताओ बेटा, क्या नाम बताया? घनश्याम। पढ़ते हो आप? शाबाश घनश्याम। आपका बताओ? साहिल। हाँ। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? फर्स्ट में। अच्छा शाबाश। आपका बताओ बेटा? प्रिंस। प्रिंस, अरे वेरी गुड, राजकुमार हो आप तो। आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? पहली कक्षा में, शाबाश। आपका भी बेटा बताओ नाम? राहुल। राहुल, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सेकंड। शाबाश शाबाश। अब ये बच्चे भी बच गए, इस तरफ वाले बच गए। नाम बताओ बेटा? अंकित। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आठवीं में। क्या बनना चाहते हो आगे? डांसर। अरे वेरी गुड, शाबाश बेटा। आपका भी बताओ? प्रदीप। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? फर्स्ट। शाबाश बेटा। आपका बताओ? ऋतिक। पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? हाँ, सातवीं में। शाबाश शाबाश। ये इसका नाम नितिक है। अच्छा नितिक है ये। अरे ये तो बहादुर है, इसको तो पुलिस ऑफिसर बनना है। शाबाश शाबाश। लगभग कितना स्टाफ होगा सर यहाँ पर? हमारे पास मैडम मिला के 16-17 है। 16-17। दिनचर्या को लेकर के कुछ बताएंगे? सुबह कितने बजे बच्चे उठते हैं, क्या क्या करते हैं दिन भर? सवेरे बच्चे उठते हैं 6 बजे, सुबह 6 बजे। हाँ जी ठीक है। और गर्मियों में 5 बजे, ठीक है। और उसके बाद ये अपना नाश्ता नुश्ता तय करते हैं, चाय पीते हैं, दही परोठे का नाश्ता, आलू की सब्जी का परौंठा मिलता है। जी जी, और कोई कमी नहीं है सर जी। हाँ। और ये जो नाश्ता वगैरह प्रतिदिन अलग अलग होता होगा? हाँ, जैसे आलू की सब्जी परौंठा, खिचड़ी, दही, अलग अलग बनता है सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो शुक्रिया सर आपका। अभी जैसा कि हमने जो बाल सेवा आश्रम है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है, उसी आश्रम में हैं फिलहाल, उसके प्रांगण में हैं। और हमने बच्चों से भी बातचीत की, काफ़ी हंसमुख बच्चे हैं, अनुशासन प्रिय बच्चे हैं हम ये कह सकते हैं। यहाँ से शिक्षाविद भी निकले हैं इसी बाल आश्रम से। कुछ बच्चों के अच्छे अरमान हैं, कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है। बेटा आपका नाम बताओ? आपका गौरव है। गौरव, आप वहाँ थे? हाँ। अरे शाबाश, वेरी गुड, पुलिस वाले बनोगे आप तो। ये बाल सेवा आश्रम का अंदर से हमने इसमें क्या क्या कुछ करते हो, खेती वगैरह? हाँ, इसमें गेहूँ उगा रखे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई और कोई सब्जी वगैरह कोई? हाँ, जो सब्जी भी लगाते हैं। लगाते हो? हाँ जी। सब्जी वगैरह आपने यहीं से उगाते हो या बाहर से मंगवाते हो? यहाँ से तो थोड़ा सा पानी की वो है, थोड़ा खारा पानी है। खारा? ये जो भूमिगत पानी है खारा पानी है। थोड़ा मीठा पानी होता तो सब्जी हम यहीं लगाते। अच्छा अच्छा अच्छा। फल फ्रूट के पेड़ तो हैं, बाग लगा रखे हैं वो। बाग भी लगाए हुए हैं? हाँ जी। क्या क्या, किस प्रकार के हैं? अमरूद के हैं, जामुन अमरूद। हाँ जी। और आंवले के हैं? आंवले के। हाँ, काफी। करीब कितने पौधे होंगे लगभग? पौधे तो काफी हैं, कम से कम भी 100 के करीब पौधे लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी
तो ये कोई आगंतुक लगा के जाते हैं या अपने आश्रम की तरफ से लगवाते हो? नहीं, ये कोई लगवा भी देते हैं, नहीं तो लगभग आश्रम की तरफ से। आश्रम की तरफ से इनकी देखभाल बच्चे करते हैं? नहीं, माली रखे माली अलग से माली रखे हुए हैं, वो पूरी बच्चों का भी थोड़ा मन बटा रहे, करवाना चाहिए। बच्चे भी उनकी इच्छा है, अगर वो करना चाहे तो कर लेते हैं। उनको बताना भी चाहिए जामुन है इसकी कैसे किस तरीके से, क्योंकि ये तो अपना एक घर है, अपने घर में साफ सुथरा रखना, उसको बच्चों को सिखाना अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। नहीं, अच्छी बात है, बच्चे भी करवाते हैं साथ, होना चाहिए। ये हमने बाल सेवा आश्रम के बारे में आपको बताया, ये करीब 200 साल पहले यहाँ बाल सेवा आश्रम की नींव रखी गई थी, एक किराए के भवन में बच्चों को बाल ये शिक्षा दीक्षा के लिए लाला लाजपत राय जी ने एक पहल की थी, शुरुआत की थी हम ये कह सकते हैं। अब ये वही पहल आप देखेंगे, उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाल सेवा आश्रम के रूप में जाना जाता है, और ये अनुशासन प्रिय है, साफ सफाई, सुंदरता और भव्यता आपको नज़र आई होगी। हमने दिखाने का ये इसलिए प्रयास किया कि कम से कम यहाँ पदाधिकारी वगैरह हैं कोई? अच्छा, गौशाला को भी देखते हैं। एक बार बात कर लेते हैं इनसे। नमस्कार सर, बाल सेवा आश्रम के अधीक्षक हैं जो गौशाला को भी संचालित करते हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमने जो अंदर तक भी देखे हैं, काफ़ी बच्चे अनुशासन प्रिय हैं, साफ सुथरा सब कुछ नज़र आ रहा है। ये जो लाला लाजपत राय जी की एक सोच थी, एक सपना था उनका, आज वो वटवृक्ष के रूप में पौध से वटवृक्ष बन गया है, क्या मानना है आपका? लाला लाजपत राय जी ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भिवानी में उत्तर भारत का सबसे पहला अनाथ आश्रम खोला था। बिल्कुल, जिस समय उस समय जैसा आपने पहले बताया था 90 के करीब बच्चे शुरू में थे, एक समय ऐसा भी आया था जब यहाँ पर 600 बच्चे हो गए थे 1930 के आसपास जी। और उसी समय हमारे आश्रम में जो है एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था, हमारा जो विद्यालय आपने देखा होगा जी, उसका सामने से फ़ोटो आपने नहीं लिया तो ले लेना, बोर्ड लगा हुआ है। हाँ जी, तो ये विद्यालय भी 1927 से है, 1927 से जो प्राइमरी स्कूल जी प्राइमरी स्कूल जो है हमारा, पहले इसको सरकार अनुदान दिया करती थी, लेकिन अब आपको पता है नए नियम ऐसे बन गए कि अनुदानित विद्यालयों का अनुदान सरकार ने बंद कर दिया। अब प्राइमरी स्कूल को पहले सरकारी अनुदान मिलता था, अब नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, अब से नहीं मिलता है। ये लगभग 10 साल से पहले सरकार ने ऐसी नीति बनाई ना कि जो एडेड टीचर है उनको गवर्नमेंट स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया जी, और जो उसी में रह गए उनको उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। तो अब जो है संस्था स्वयं जो है इसका संचालन करती है, इसमें हमारे आश्रम के बच्चे पढ़ते हैं और बाकी आसपास के झुग्गी झोपड़ियों के भी लगभग 80 बच्चे हैं जिनको आश्रम की तरफ से कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, भोजन वगैरह सब आश्रम की तरफ से दिया जाता है दोपहर का। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। पहले सरकार से भोजन मिलता था, लेकिन अब सरकार ने भोजन वो बंद कर दिया, बंद तो कर दिया, और जो है वो सही अनुदान के यानी जब से सरकार ने अनुदान बंद किया है तभी से मिड डे मील की योजना भी बंद हो गई है। बंद हो गई, लेकिन आश्रम की तरफ से चालू है वो। अब आश्रम खुद अपना प्रबंधन कर रहा है, अपना प्रबंधन जो है सब वही चालू करता है। और चूंकि अब जो है बहुत सारे सरकारी नियमों के अनुसार हर जिले में अनाथ आश्रम खुल गए हैं, इसलिए हमारी बच्चों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी और आश्रमों से ज़्यादा ही है। किस कुछ जिलों में तो 2-3 बच्चे ही हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 30 से लेकर 50 के बीच में लगभग बच्चे घटे बढ़ते रहते हैं, लेकिन विगत 5 सालों में कभी संख्या जो है 30 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है, इसी के बीच जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं सभी जो है किसी न किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उनकी क्षमता जो यहाँ तक कि जो मंद बुद्धि और अपंग भी हैं उनको भी भिवानी में ऐसी भी संस्थाएँ हैं, अपंगों के लिए भी संस्थाएँ हैं, गूंगे बहरों के लिए भी संस्थाएँ हैं, वहाँ सभी को उनकी क्षमता के अनुसार, मतलब कुछ जो बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं, जो नहीं यहाँ से जो मतलब अन्य जगह पर जिनकी आवश्यकता होती है वहाँ भी भेजते हैं। बिल्कुल, हमारी एक लड़की जो है अभी आदमपुर पॉलीटेक्निक में पढ़ती है, वहीं पर आजकल छुट्टियों में यहाँ आती है, बाकी कॉलेज में चली जाती है। मतलब सभी हम अपने तरफ से व्यवस्था से ऐसा प्रबंध करते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को सभी प्रकार की जो सुविधाएँ संभव हो दी जाए, और ये सारा काम जो है आप लोगों और समाज के सहयोग से चलता है।
हम सरकार से किसी प्रकार का ग्रांट नहीं लेते, ये सब कुछ जो है ये 150 सालों से जो है भिवानी और आसपास की जनता के आर्थिक सहयोग से ही चल रहा है। और सभी जनता जो है हमारे यहाँ खुद आकर के ही ज़्यादातर दान दे जाती है। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, कई लोग हमारे आश्रम के नाम पर गाँवों में चंदा मांगने चले जाते हैं, अनाज मांगने चले जाते हैं, हमारे पास शिकायत भी आती है। तो जिस किसी को भी ऐसी शिकायत मिले तो हमें उनको बताना चाहिए, क्योंकि हमारे तरफ से कोई चंदा मांगने, हमारा एक आदमी चंदा मांगने जाता, मांगने नहीं जाता, वो मतलब वो परमानेंट जो डोनर है उन्हीं के पास से कलेक्ट करता है, एट रेंडम किसी के पास हमारी तरफ से कोई नहीं जाता कि हमें चंदा दे। यानी कुल मिला के इनका ये कहना है, बाल सेवा आश्रम भिवानी की तरफ से कुछ लोग भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, या जो अनाज के लिए कोई पैसों के लिए वो बाल सेवा आश्रम को एक किस्म का ये कह सकते हैं ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। इनका ये कहना है किसी प्रकार का कोई भी इनका बंदा, कोई भी इनका कर्मचारी बाल सेवा आश्रम के नाम पर कोई कुछ लेने नहीं जाता, अगर लेता है तो जो इनसे जुड़े हुए जो दानदाता हैं, जो परमानेंट है, जो डोनर हैं, जिनका एक रसीद देते हैं, उनको बिल्कुल लेकर रसीद देता है आश्रम का। बिल्कुल, और उस पर हमारे रसीद का फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ होता है, तो किसी भी संदेह हो तो हमारे फ़ोन नंबर से संपर्क करें। और उस आदमी का नाम ही बता देते हैं, वो सुरेश शर्मा नामक एक आदमी है, वही हमारे यहाँ से जाता है, वो भी जो हमारे परमानेंट डोनर है उन्हीं के पास जाता है। यानी इनका ये कहना है सुरेश शर्मा जो इनके बाल सेवा आश्रम से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हैं, वो सुरेश शर्मा ही केवल जो स्थाई डोनर हैं, जो स्थाई दानदाता है, उन्हीं के पास से लेकर के जो आते हैं चंदा लेकर, चंदा है, अनाज है, जो भी सहयोग केवल पैसा ले, और लोग मंथली बांट रखे हैं, कोई 50 देता है, कोई 100 देता है, कोई 200 देता है, ऐसे ही हमारे हैं लोग। यानी उन्हीं से वो सुरेश शर्मा ही लेकर के। हाँ जी, हाँ जी, सुरेश शर्मा के अलावा कोई भी किसी प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में यदि कोई बाल सेवा आश्रम के नाम पर पैसा मांगता है, चंदा मांगता है, कुछ सहयोग मांगता है, तो उसको आप न दें, इनका कहना यही है। और इस प्रकार का अगर कोई नाम का प्रयोग करता है तो वो संबंधित पुलिस को भी शिकायत करे, और इनके आश्रम तक भी शिकायत। में भी एक बार आया था, हमने केस भी कर रखा था हाँसी में, केस भी कर रखा था हाँसी में, कोई बंदा बाल सेवा आश्रम के नाम पर कुछ मांग रहा जी था। तो आप लोगों ने तो हमें सूचना मिली, फिर हमने आदमी भेजा था, उसके ऊपर कोर्स भी किया था। यहाँ का लैंडलाइन नंबर है 01664-2625-06। यानी दोबारा एक बार आप नोट करें 01664-2625-06, ये बाल सेवा आश्रम का नंबर है। यहाँ कोई सहयोग करना चाहता हो या कोई शिकायत करना चाहता हो बाल सेवा आश्रम से संबंधित, तो इस नंबर पर कोई भी आदमी संपर्क कर सकता है। एक हमने जो बाल सेवा आश्रम के जो भव्य दृश्य दिखाए, एक विशेष जानकारी जो आप लोगों को दी, लाला लाजपत राय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीन गरम दल के जो नेता होते थे, लाल बाल पाल, उनमें से एक लाला लाजपत राय जी थे, जिनकी एक सोच थी, सपना था, उसी सपने के अंदर हम बैठे हुए हैं, उसी भव्य भवन में हम बैठे हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। और यहाँ की एक विशेष जानकारी देने के लिए हम लाइव हाजिर हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन रुस्तम वर्मा के साथ राजेंद्र चौहान, नमस्कार। हम आपको एक बार जो इसकी विद्यालय है उसकी और वो दिखा देते हैं, विद्यालय की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। ये यहाँ का विद्यालय है आश्रम की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद जी।